नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वाद के सफर के तीसरे एपिसोड में आप सबका मीनूज किचन में वेलकम। स्वाद के सफर की गाड़ी हमारी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के उत्तराखंड के स्टेशन पे पहुंच चुकी है। जैसे कि ठंडी के मौसम आ गए हैं और हम घूमने जाने का प्लान बना लेते हैं, तो उस वक्त हम यही सोचते हैं कि ठंडियों का मज़ा तो हिल स्टेशन पे ही आता है। तो इसीलिए अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहाँ की सबसे फेमस कफली, जो कि चावल के साथ बहुत ही मज़े से खाते हैं, तो वो ट्राई ज़रूर कीजिए। उसी फेमस डिश काफुली का स्वाद आज हम मीनूज किचन में लेने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का जो स्टेट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है गढ़वाली और दूसरा है कुमाऊनी। तो आज जो हम काफुली बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं गढ़वाली के तरीके से। मैंने यहाँ पे पालक एक गड्ढी धो के कट कर लिया है और रफली चॉप किया है। ये हम कुकर में ऐड करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो वही सब्जी बनाते हैं जो वो वहीं उगाते हैं। वहाँ पे जो पालक है वो पहाड़ी पालक वो यूज़ करते हैं। अगर आपको पहाड़ी पालक ना मिले तो आप नॉर्मल पालक भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे आधी गड्ढी मेथी तोड़ के साफ़ करके धो के ले ली है। ये भी हम कुकर में ऐड करेंगे पालक के साथ में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी। जैसे कि पालक पानी छोड़ेगा इसलिए हम 1/2 ग्लास ही पानी डालेंगे। और कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे। कुकर की आपको 2 विसल लेना है। हमें सिर्फ 2 सीटी लेना है, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पालक मेथी को बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सर में हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम जो कांदा है, एक कांदा मैंने यहाँ पे लिया है, वो हम इसे फाइन कट कर लेंगे। काफली जो डिश है वो फेमस ना बल्कि बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। जैसे कि पालक में आपको पता होता है विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारा फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि अपने बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और फुल ऑफ न्यूट्रिशियस होता है। तो मैंने यहाँ पर एक कांदा बारीक कट कर लिया है। ये कांदा अब मुझे रुला दे रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। और हम बढ़ते हैं आगे रेसिपी में। मिक्सर का यहाँ पे मैंने जार ले लिया है और जो पालक था वो हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। हमें पूरा इसका पेस्ट बनाना है। पालक और मेथी ग्राइंड हो गए हैं, अब बारी है तड़के की। अब हम तड़का लगाते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये जो डिश है, ये डिश बनाई जाती है लकड़ियों के चूल्हे पे और लोहे के कढ़ाई में, ताकि जो एक अलग ही फ्लेवर उठ के इस रेसिपी में आता है। और इस रेसिपी में यूज़ होता है सरसों का तेल, लेकिन मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई गर्म होते ही मैं यहाँ पर रिफाइन ऑयल ऐड कर दूंगी। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें डालेंगे जीरा और महुरी। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा। महुरी 3 से 4 अक्खी मिर्ची। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कांदा, जो हमने बारीक कट कर लिया था।
कांदे का कलर चेंज होने तक हम कांदे को फ्राई करते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट का रॉ स्मेल निकलने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन का रॉ स्मेल निकल जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। मैंने यहाँ पे 2 टमाटो चॉप कर लिए हैं, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटो सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, हाफ टी स्पून नमक आपके स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे। रेडी हो गया है और मसालों ने ऑयल पूरा छोड़ दिया है। अब जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इस डिश का वो है चने का बेसन, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थ्री टेबल स्पून और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बेसन के पकने तक की खुशबू आने तक बेसन को हमें पकाते रहना है। इसमें बेसन हमारा पक गया है, अब हम इसमें जो पेस्ट हमने पालक और मेथी का ग्राइंड करके जो पेस्ट बनाया था वो हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। यह हमारा पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको पानी इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ आधा ग्लास पानी ही ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारी काफुली को। एकदम परफेक्ट हो गई है, तो चलिए बढ़ते हैं सर्विंग की तरफ। पहाड़ी काफुली हमारी रेडी है। गढ़ वाली काफुली हमारी रेडी हो चुकी है। जल्दी से आप जाइए आपके किचन में और जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जाते जाते बशीर बद्र जी की 2 पंक्तियाँ याद आ रही है, क्या खूब लिखा है उन्होंने। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी।